मेंटल हेल्थ कई हद तक हमारे लाइफ का और हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे नेगलेक्टेड एस्पेक्ट रहा है। इसको सुधारना सिर्फ एक इंडिविजुअल के लेवल पे ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि नेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई सारे काम इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी इस रास्ते पे कर रही है, बट स्टिल इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो पाया है। मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है अभी। आज मेंटल हेल्थ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, 10th ऑफ अक्टूबर। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ आप कैसे अच्छा रखें अपना। एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाइफ में क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है, एक अच्छा डाइट लें आप, अच्छी नींद लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फ्री टाइम में दोस्तों से और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, मोबाइल का, सोशल मीडिया का, इन सारे माध्यमों का प्रयोग लिमिट करें जहाँ तक हो सके। कई बार देखा जाता है कि लोग घर पे बैठे हैं, एक साइड वाइफ हैं, एक साइड हस्बैंड हैं, दोनों एक दूसरे से नहीं बात कर रहे हैं बट फ़ोन पे लगे हुए हैं। इस चीज़ का एक नकारात्मक असर आपके परिवार के और सदस्यों पे, आपके बच्चों पे भी पड़ता है। तो बेटर रहेगा कि आप फ़ोन से या मीडिया से दूर रह के खुद अपने परिवार के लोगों के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय निकालें, कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट का समय निकालें जो सिर्फ आपका हो। उसमें आप चाहे तो रनिंग करें, हल्के एक्सरसाइज करें, थोड़ा मोड़ा वेट लिफ्टिंग आप करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। हेल्दी डाइट ज़रूर प्लान करें, ईटिंग से बचें, किसी भी तरह के डीप फ्राइड या बहुत ज़्यादा फैटी फूड से बचें। इन सारी चीज़ों का आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बैलेंस डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज के कंपटीशन से भरे ज़माने में गोल सेटिंग करना, रियलिस्टिक गोल्स रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, कंटेंट हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुश रह पाएंगे और आप अपने किसी भी तरह के मानसिक विकार से खुद को बचा पाएंगे। कई बार लोग देखते हैं कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोग उसकी वजह से स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए लाइन ड्रॉ करें, अपनी क्षमताओं को समझें, उन पे काम करें, उन पे वर्क करें, अपने पॉजिटिव्स को इम्प्रूव करने की फर्दर कोशिश करें, जिससे आप खुद की लाइफ में और समाज में चेंज ला सकें। बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड करना या दूसरों से अपेक्षा रखना या दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखना, इस तरह की भावनाओं से आप अपने मन को और अपने मानसिक स्वास्थ्य को हैम्पर करते हैं। तीसरा जो बात है कि आपको अगर किसी भी तरह की अवसाद या टेंशन या स्ट्रेस या किसी भी चीज़ से आप ग्रसित हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप अपने परिवार के लोगों से इस बारे में बात करें, उसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करें, ना कि अपने अंदर अंदर घुटें और अपने प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर लें। फिर भी अगर आपको अगर लगता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो पा रहा है, तो आपके आसपास जो भी अच्छे मनोचिकित्सक हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, उनसे बात करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें। इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मेरा एक ही संदेश है आप सबसे कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ठीक उसी तरह से ध्यान रखें जैसे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। कई बार क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, आपके जिंदगी जीने की जो गुणवत्ता है उसमें जो कमी आ रही है, इसके बारे में हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल में है, शुगर कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर ठीक है, तो लाइफ ठीक है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में कोई बात नहीं करता है। इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में सोचें और अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ स्टेप्स लें, ताकि आप ज़िंदगी जिए भी और खुशी से और अच्छे से जिए और एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर पाएँ। धन्यवाद।